मैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला, MNA NA 98 बखर, मीडिया और सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों की सख्ती से तर्दीद करता हूं कि मैं सिंध हाउस में पाबंद हूं, और इस बात की भी सख्ती से तर्दीद करता हूं कि मुझे अदम एतमाद में वोट देने के लिए किसी ओहदे या पैसे का लालच दिया गया है। मैं अपने हलका में मौजूद हूं और आजादी से घूम फिर रहा। इस बात का मैं एतराफ करता हूं कि मुस्लिम लीग नून के लोगों से हमारे दरीना खानदानी और सियासी ताल्लुकात हैं, और मुस्लिम लीग के कैदीन और अकाबरीन से अक्सर रब्ता रहता है और मिलना जुलना रहता है। इससे मैं किसी किस्म का इनकार नहीं करता। इस वक्त मुल्क के खारजी, दाखिली, सियासी और माशी हालात नहायत ही पेचीदा और दिगरगुन है, जिस वजह से हर जी शऊर पाकिस्तानी परेशान है। ऐसे हालात में एक मुंतखिब अवामी नुमाइंदा कैसे हालात से लाताल्लुक रह सकता है? मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने वोट का इस्तेमाल इन हालात में अपने इलाके के वोटर्स वोटर्स और अवाम के मशवरे से मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में और अपने जमीर की आवाज के मुताबिक करूंगा। मैं किसी लालच या दबाव में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और आखिर में एक शेर के तफाखुर मनसबे कूजा गरी का छिन भी सकता है, तफाखुर मनसबे कूजा गरी का छिन भी सकता है, कोई भी हो हमेशा चाक पर बाकी नहीं रहता, कोई भी हो हमेशा चाक पर बाकी नहीं रहता, और किए रखती है पागल ख्वाहिश ताज की, लेकिन नहीं मालूम रहता है कि सर बाकी नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया।